ये क्योंकि एप्लिक करवाना था, ये जो आप देख रहे हैं एम्ब्रॉयडरी बॉर्डर, ये एप्लिक करवाना था, तो ऑर्गेन्जा पे हमने पहले पिनटेक्स डाली है, उसके बाद ये एम्ब्रॉयडरी बॉर्डर एप्लिक करवाया ये, एंड देन अगेन लेस है, एक दो तीन जो है ना यहाँ पे सेंट्रल लेसेस लगी हुई है डिफरेंट डिजाइन में, और लास्ट में ये लेस लगी है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसी है जी मेरी प्यारी सी वाईटी फैमिली, उम्मीद है सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज के ड्रेसेस बहुत ही खूबसूरत होने वाले हैं, जिसमें आप मारिया भी, सोबिया नज़ीर और क्रिम्सन के ड्रेसेस देखेंगे, और कैसे बने हैं चलें देखते हैं। बहुत खूबसूरत कलर्स हैं और इतनी खूबसूरत डिज़ाइनिंग की है जी हमने। ये हैं जी वो ड्रेसेस, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं कि ये किस तरह के बने हैं। सबसे पहले जो मैं ड्रेस दिखा रही हूँ वो है जी ये, और ये है सोबिया नज़ीर का, बहुत ही हसीन कलर है ये कलर है एग्जैक्टली जो अब आप देख रहे हैं। लाइट की वजह से कहीं लाइट और कहीं डार्क आपको शो होगा, लेकिन ये कलर है, मैं क्लोज करके दिखा रही हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है जी खूबसूरत सा धानी कलर आप कह सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ये है कि इस पर सारा फॉइल वर्क हुआ हुआ है कुछ ऐसे, इस तरह से हसीन, जिसको कहते हैं ना फॉइल वर्क, नफासत वाला, वो वाला हुआ हुआ है। अच्छा, नेक लाइन है, नेक लाइन को हमने बनाया है जी पाइपिंग के साथ, राउंड है और ये पाइपिंग के साथ है, और बहुत ही छोटे छोटे क्यूट से यहाँ पे बटन बना के लगाए हैं ऐसे विद कुंदन के साथ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो बटन है ना, इस पे देख लें आपको टू पीस नज़र आ रहे होंगे, ये और ये, तो इस तरह से इसको विद पर्ल के साथ बनाया है। तो ये हो गए बटन, और ये क्योंकि सेंटर पीस और साइड पैनल्स अलग अलग थे, तो जॉइंट लेस लगी है दोनों साइड्स पे, तो ये पैनल के साथ ऐसे बना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप ये देख लें, ये है जी यहाँ पे काम है यहाँ पे फॉइल वर्क वाला, लेकिन यहाँ हमने लेस भी लगाई है ऐसे, ठीक हो गया। अच्छा, स्लीव्स इसकी फुली एम्ब्रॉयडर्ड, थ्रेड और फॉइल वर्क है इस ड्रेस पे, और यहाँ पे डिटेलिंग देख लें आप, सबसे पहले लेस है, फिर एम्ब्रॉयडरी है, फिर लेस है, ये फिर एम्ब्रॉयडरी है, एंड देन अगेन लेस है, एक दो तीन जो है ना यहाँ पे सेंट्रल लेसेस लगी हुई है डिफरेंट डिज़ाइन में, और लास्ट में ये लेस लगी है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है, इसका डिज़ाइन देखें आप, ठीक है इस तरह से। अच्छा, इसकी फिनिशिंग ये रखी है हमने, और उसके बाद यहाँ पे भी ऐसे ही डिटेलिंग है कि लेस है, फिर ये एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर आ गया, फिर लेस है, और लास्ट में ये खूबसूरत सी लेस जो कि डाई होने के बाद और खूबसूरत लग रही है, ये हमने लगा दिए, ठीक है। बैक इसकी प्लेन है। अच्छा, अब इसकी जो दुपट्टा और ट्राउज़र है वो देख लें, वो है जी ये इसका ट्राउज़र है, ये डिटेलिंग है, एम्ब्रॉयडरी मिलेगी विद फॉइल वर्क, छोटी छोटी सी बूटियों का स्प्रे है पूरे दुपट्टे पे ऐसे, ऐसे। इसके बाद है बॉर्डर जो कि फोर साइड पे लगाया है, ये देख रहे हैं कलर, लाइट की वजह से ये कलर कुछ इस तरह से हो जाता है, बट है वही कलर जो मैंने आपको दिखाया है ये। अच्छा, इसके बाद फोर साइड पे फिनिशिंग के बाद लेस लगा दी गई है ये वाली, और ये दुपट्टा इसलिए भी खूबसूरत लग रहा है कि इसकी एम्ब्रॉयडरी जो है ना फोर साइड पे है, जैसे कि लेंथ वाली साइड पे भी और पल्लुओं पे भी, नॉर्मली पल्लू हैवी होते हैं और हम लेस लगा देते हैं फोर साइड पे, बट यहाँ पे फोर साइड्स के लिए ये मिली थी जो कि हमने यहाँ पर लगा दी है ये ऐसे। नेक्स्ट देख लेते हैं, बहुत ही खूबसूरत से कलर का ड्रेस जो कि शिफनी पर है और ये भी मारिया भी पर है। अच्छा, ब्रांड नेम मैं सबके बताती हूँ, और अक्सर आप लोग कमेंट करते हैं कि ब्रांड नेम तो बता दिया करें, तो जी बताती हूँ, अगर वीडियो को आप ध्यान से ज़रा सुन भी लें तो आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले मैं ब्रांड नेम ही बताती हूँ। अच्छा, मारिया भी का शिफनी का है, बहुत खूबसूरत कलर है ये, मरून शेड है लेकिन बहुत प्यारा लग रहा है। अच्छा, इसमें भी यही है कि पैनल के साथ है ये देखें, ठीक है, सेंटर में इस तरह से, और साइड्स जो है इसकी टोटली शिफली वर्क में है। अच्छा, इसके साथ ये नेकलाइन थी जो कि हमने बटन के साथ बना दी है, और ये एक्चुअल कलर इसका आ रहा है, ठीक है, और
इसके जो पैनल्स है ना उस पर ये एम्ब्रॉयडरी का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट था, ऊपर शिफली पर थ्रेड वर्क, यहाँ पे ये वाला, फिर यहाँ पे टोटली सारा नीचे शिफली आता है और यहाँ बॉर्डर ऑर्गेन्जे का। अच्छा, ऑर्गेन्जा बॉर्डर को ज्वाइन करने के लिए हमने लेस लगाई है जो कि ऊपर से लगी है, ये देख लें, ये पूरा इसका डिज़ाइन नज़र आ रहा है ना आपको ऐसे। फिर यहाँ पे कटवर्क हो गया है और कटवर्क कराने के बाद हमने ड्रॉप्स लगाई हैं मार्बल की सेम कलर में ऐसे। और स्लीव्स पे भी हमने यही किया है क्योंकि स्लीव्स भी इस तरह से फुली एम्ब्रॉयडर्ड हैं बहुत ही खूबसूरत काम के साथ। यहाँ पे भी ऑर्गेन्जा बॉर्डर मिला था और यहाँ लास्ट में कटवर्क करवाया है विद मार्बल। अच्छा, मार्बल की डिटेलिंग है और यहाँ पे सेम लेस। अच्छा, एक चीज़ और दिखा दूँ कि इस पर हमने पेंटेक्स डाली हैं, ये आपको अगर ये अब नज़र आएगी, ठीक है, ये देखें यहाँ और यहाँ, ये क्योंकि एप्लिक करवाना था, ये जो आप देख रहे हैं एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर, ये एप्लिक करवाना था तो ऑर्गेन्जा पे हमने पहले पेंटेक्स डाली हैं उसके बाद ये एम्ब्रॉयडरी बॉर्डर एप्लिक करवाया। ये आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए ये एप्लिक हुआ है, ठीक है, ये था नहीं ऐसा। और उसके बाद फिर हमने ये लगाया यहाँ पे जो ये मिला था और फिर यहाँ पे मार्बल, तो इस तरह से इसकी स्लीव्स बनी है। और ये कितनी अच्छी लग रही है क्योंकि कुछ ऊपर नज़र आ रही हैं कुछ नीचे पेंटिंग्स नज़र आ रही हैं, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये खूबसूरत सा आर्टिकल बना है कुछ ऐसे, और ये इसका शिफॉन का दुपट्टा है और ये इसका ट्राउज़र है। अच्छा, शिफॉन का दुपट्टा इसके साथ एम्ब्रॉयडरी थी पूरे दुपट्टे पे, मैं दिखा देती हूँ, ये देखें दुपट्टा भी इसका बहुत खूबसूरत है, जिस तरह से चिकनकारी होती है इस तरह से दुपट्टे पे पूरे पे एम्ब्रॉयडरी है, ये देखें ये ऐसे, ठीक है। और जो प्रिंट है ना वो सिर्फ पल्लुओं पे है, इसलिए दुपट्टा बहुत खूबसूरत लग रहा है, सेंटर से प्लेन है, पल्लुओं पे प्रिंट है और जो एम्ब्रॉयडरी इन्होंने दी थी वो दी थी फोर साइड्स के लिए, ये जो दी थी वो फोर साइड पे हमने लगा दी है ऐसे, ये आप देख लें फोर साइड पे लगी हुई है और हमने ऊपर से लगाई है इसको फैब्रिक पे रख के, ये देख लें यहाँ से पता आइडिया हो जाएगा आपको, ये देखें, ठीक है, खूबसूरत लग रहा है ये भी, नेक्स्ट देख लेते हैं। इस वीडियो का लास्ट ड्रेस है जी, ये जो है क्रिम्सन का और बहुत ही खूबसूरत सा कलर है क्योंकि लाइट कलर पे पेस्टल कलर की एम्ब्रॉयडरी है तो वो बहुत अच्छी लग रही है और थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी का पैटर्न भी डिफरेंट है। जैसे कि सबसे पहले ये देखिए नेकलाइन इसके साथ डबल पे ली थी, पहले तो ये है ऑफ वाइट वाली और उसके ऊपर सिल्वर वाली है, दोनों एप्लिक हो गई है, बोर्ड शेप नेकलाइन है जो कि ऐसे लगती है बहुत खूबसूरत। इसके बाद यहाँ पे जो एम्ब्रॉयडरी आपको नजर आ रही है थ्रेड वर्क है ये सारा, और यहाँ पे कुछ की एम्ब्रॉयडरी का स्टाइल था ऐसे, ये देखें, ठीक है, ये लाइक कुछ एप्लिक वर्क टाइप का, नीचे इसलिए लाइनिंग लगी है। अच्छा, यहाँ पे एक और एम्ब्रॉयडरी बॉर्डर मिल रहा था जो कि एप्लिक हो गया है सारा, जैसे कि नेकलाइन है उसी मटेरियल में, और लास्ट में हमने लेस लगाई है, लेस हमने यहाँ पे कट करके लगाई है, ये जो फ्लावर आपको नज़र आ रहे हैं ये अटैच किए हैं हमने ऑर्गेन्जा के ऊपर और ऑर्गेन्जा पे बनाए हैं थ्रेड ऐसे, ये ठीक है, यहाँ ये आप देख लें ये लेस थी, ये मैंने पहले भी बनाया था आर्टिकल। और इसके स्लीव्स पे एम्ब्रॉयडरी देखें कितनी खूबसूरत है, ठीक है, ये स्लीव्स की एम्ब्रॉयडरी है, फिर बॉर्डर और सेम डिटेलिंग दामन वाली यहाँ पे है। अच्छा, इसके साथ हमें ऐसे नेकलाइन ये बैक का मोटिव मिला था जो कि अटैच हो गया है, इसका दुपट्टा भी बहुत खूबसूरत है, ये इसका ट्राउज़र है और जी इसका दुपट्टा खूबसूरत सा दुपट्टा है जी इसका, बहुत प्यारा सा कॉटन नेट का है, सेंटर में ये जो पीस है इसका ऐसे, और इसके साइड और पल्लू हमें सेपरेट मिले थे जो कि लगाने के बाद इसकी लुक कुछ ऐसे आती है, ये पूरा एप्लिक हुआ है जी सारा कुछ,
ये पूरी साइड पे और पल्लू एप्लिक भी हुआ और कटवर्क भी हुआ, और फिर वहाँ पे हमने ये ड्रॉप्स लगा दिए ये इस तरह से। और अच्छा पल्लू ये जो साइड्स हैं ना, पल्लू ने ये जो साइड्स हैं इनको ज्वाइन करने के लिए यहाँ लेस लगाई है ऐसे इस तरह से, ठीक है। तो ये खूबसूरत सा ड्रेस बन गया है कुछ ऐसे।